जो कानून आ रहा है यह राज्य की जनताओं के हित में भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपराधी माफियाओं का बोलबाला समाप्त हो। जो रोए रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा सुशासन स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, ये संकल्प को मुख्यमंत्री जी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कानून का राज स्थापित करने का, जनता के प्रति ये वचनबद्धता को स्थापित करने के लिए जो कानून आ रहा है यह राज्य की जनताओं के हित में है और इस कानून से बिहार के अंदर जनता भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपराधी माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा। बागी विधायक को लेकर के बात, रावड़ी देवी ने हमला बुलाया, कहा है कि 10-10 करोड़ में बेचा गया है, जो विधायक पार्टी छोड़ करके उनको जाना चाहिए वो बेशर्म है, लेने वाले भी बेशर्म है। देखिए मैं बता दूं कि रोए रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का, भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारवादी वंशवादी भ्रष्टाचारी जिस तरह के सदन के अंदर जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना, ये सारे वातावरण आज विधायकों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे, हम सुरक्षित स्थान वो लोग खोज रहे हैं। तो ये विधायिका कोई बंधुआ मजदूर के तरह बांध के आप रख नहीं सकते हैं। और रह गई कि शुरुआत तो आपने किया, नौता दिया, तो आप ही का विधायक आपको विजय करा रहा है, इसमें मेरी भूमिका कहाँ है। अरे हमने कुछ किए रहता तब न। जो लोग ये मानसिकता और नेता प्रतिपक्ष को सदन में रहनी चाहिए, अब ये सच नहीं है क्या कि माली गया घर जन्नत न हर। जब नेते गायब है, नेता फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका विधायक कहाँ कहाँ भाग के जा रहा है, ये तो उस नेता को देखना चाहिए। और उसके नेतृत्व को लोग नहीं स्वीकार रहा है तो उसको पद त्याग देना चाहिए। हमको अगर जो नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल दल के नेता बनाया और हमारा विधायक हमसे भाग रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमको जवाब देना। सर और भी विधायकों की संख्या होगी क्या जो डूबते नाव से उतरना चाहते होंगे? अब तो ये उन लोग बताएंगे, उनके खेमा में हमारा कोई रुचि। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।